और हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर वापस आ गई हूँ मैं, यानी आपकी दूसरी आप, लेकर इंग्लिश की एक और नई वीडियो जिसे आप लोगों ने फिर से हमारे साथ पूरा देखना है और इंग्लिश अच्छे से सीखनी है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वो वाला टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रैवल के टाइम पे यूज किए जाने वाले कुछ सर्वाइवल इंग्लिश फ्रेजेस। सो सर्वाइवल इंग्लिश फ्रेजेस सीखने के लिए हमारी वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले फ्रेज से। अगर हमें एयरपोर्ट पे जाके टिकट परचेज करनी है या ट्रैवल एजेंट से हमें टिकट लेनी है कहीं भी जाने के लिए, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं? या पूछना चाहते हैं वो टिकट कितने की है, तो पूछ सकते हैं हाउ मच फॉर अ इकोनॉमी टिकट टू मुंबई। और अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हाउ मच फॉर अ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टिकट टू मुंबई। अगर आप पूछना चाहते हैं कि टिकट का प्राइस कितना है, तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे। और अगर खरीदना चाहते हैं टिकट, तो आपको बोलना पड़ेगा कैन हैव वन वे टिकट टू मुंबई प्लीज, कैन आई हैव अ वन वे टिकट, या फिर राउंड ट्रिप टिकट्स टू मुंबई। वन वे टिकट, राउंड ट्रिप टिकट्स, सिर्फ जाने की टिकट करवा रहे हैं तो उसे वन वे टिकट बोलते हैं। और अगर आपको आने जाने दोनों साइड की टिकट बुक करवानी है तो उसे बोलेंगे राउंड ट्रिप टिकट्स। राउंड ट्रिप टिकट्स, वन वे टिकट। नेक्स्ट आता है टिकट परचेज करने के बाद अगर आपको बाहर किसी कंट्री जाना है और उसके लिए वीजा लगवाना है या फिर अपना पासपोर्ट चेक करवाना है, तो आप काउंटर पे रखते हुए बोल सकते हैं हेज माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट ये रहा, हेज माई पासपोर्ट। अगर कभी पासपोर्ट गुम गया तो बोलेगा, तो बोल दीजिएगा आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी और देश में हैं और पासपोर्ट गुम जाए, तो सबसे पहला काम है अपने इंडियन एम्बेसी को कॉल कीजिएगा। तो हम बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, कैन यू प्लीज कनेक्ट मी टू द इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट, या फिर वेयर इज द इंडियन एम्बेसी और द कॉन्सुलेट। या तो बोलेगा वेयर इज द एम्बेसी या वेयर इज द कॉन्सुलेट। नेक्स्ट आता है फ्लाइट बोर्ड करते हुए टाइम, फ्लाइट का टाइम एग्जैक्ट पूछना, व्हाट टाइम डज द फ्लाइट और ट्रेन अराइव। अब याद रखिएगा ट्रेन में दो तरह के टाइम्स दिए होते हैं, एक ट्रेन के आने का टाइम और दूसरा ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जाने का टाइम। तो अगर आप ट्रेन के वहां आने का टाइम पूछना चाहते हैं या फ्लाइट के आने का टाइम पूछना चाहते हैं, तो हम पूछेंगे What time does the flight or train arrive? What time does the flight or train arrive? और अगर आप ट्रेन के जाने का टाइम पूछना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे What time does the flight or the train departs? जाना departure, आना arrival। फिर से बोलते हैं जाना departure, आना arrival। So at what times does the train arrive? At what time does the train depart? अगर आपको पूछना है कि ट्रेन के लिए मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है या फ्लाइट के लिए कौन से टर्मिनल पर जाना है, तो हम पूछेंगे Which platform or terminal do I have to go? Which platform or terminal do I have to go? अब आपकी फ्लाइट या ट्रेन डायरेक्ट उस शहर तक है या नहीं, ये पूछने के लिए हम कह सकते हैं इज द फ्लाइट डायरेक्ट, इज द ट्रेन डायरेक्ट, यानी मेरी फ्लाइट या ट्रेन में कोई हॉल्ट तो नहीं है, या फिर मुझे कहीं और से ट्रेन या फ्लाइट बदलनी तो नहीं पड़ेगी। इज माई ट्रेन डायरेक्ट, इज माई फ्लाइट डायरेक्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप पूछना चाहते हैं ट्रेन में वो सात वाली सीट या बस में वो सात वाली सीट खाली है या नहीं, तो पूछेगा एक्सक्यूज मी इज दैट सीट टेकन, एक्सक्यूज मी इज दैट सीट टेकन का मतलब है क्या वो सीट किसी ने ऑलरेडी ले ली है, क्या ऑलरेडी वहां कोई बैठा हुआ है, यानी पहले से कोई वहां बैठा हुआ है या नहीं, तो एक्सक्यूज मी इज दैट सीट टेकन. नेक्स्ट सेंटेंस आता है अगर आप पूछना चाहते हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट या नेक्स्ट ट्रेन कब की है, तो व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट टू कौन सी भी जगह आप जाना चाहते हैं. सो व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन टू आगरा, व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट टू अहमदाबाद. ऐसे ही अब अगले सेंटेंस पर आते हैं. अगर आपने अपने होटल वाले को बोला है कि हमारे लिए यहाँ से एक टैक्सी मंगवा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं, या एयरपोर्ट से कैब करवा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज कॉल अ टैक्सी, या फिर कैन यू प्लीज कॉल अ कैब, कैन यू प्लीज कॉल अ टैक्सी. नेक्स्ट सेंटेंस आता है अगर आपको यहाँ से एयरपोर्ट से कहीं जाना है और कैब ड्राइवर को बताना है कि आपको कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा आई वुड लाइक टू गो टू, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं. लाइक अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी हूँ और मुझे जाना है रेडिसन होटल में, सो आई वुड लाइक टू गो टू रेडिसन होटल. नेक्स्ट आता है अगर आप किसी नए शहर में गए हैं और वहाँ शहर घूमने के लिए आप चाहते हैं कि आप कोई बाइक या कार रेंट पर ले ले, तो आप पूछ सकते हैं वेयर कुड आई रेंट अ बाइक और अ कार. सो वेयर कुड आई रेंट अ बाइक, या फिर वेयर कुड आई रेंट अ कार. तो आज के लिए बस इतना ही. ऐसे ही कुछ और सर्वाइवल फ्रेजेस अलग अलग सिचुएशन में जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सीखने के लिए हमारी वीडियो जरूर देखिएगा. आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और आप हमारे साथ सीख रहे हैं. याद रखना इंग्लिश सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. सर्वाइवल इंग्लिश सीखना इज रियली वेरी इजी. आपको और कुछ नहीं करना, बस घर बैठ के हमारी वीडियोस रोज देखिएगा, रोज हमारे साथ कोई नई चीजें सीखेगा. तब तक के लिए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और अगर पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू.